हमें प्रूव करना है 9 PS² इक्वल टू 7 PQ² ये हो गया ST और PT, तो PT² PR² और TR² को लिखना पड़ेगा फिर से, मीडियन है फिर से ST। क्वेश्चन नंबर 16 जो मैं कल मेथड बता रहा था, इस मेथड से आंसर आ जाएगा। और दो एक और स्टेप बचा है कि PT परपेंडिकुलर टू QR, PT इज मीडियन, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा QT इक्वल टू TR इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR, दैट इज हाफ ऑफ PQ। फिर वहां पे ST हमें लिखना पड़ेगा, डिस्टेंस ST इज इट इज QS प्लस डिस्टेंस QT इज QS प्लस ST एंड ये काफी है इतने सारे स्टेप्स, लेकिन फिर भी ठीक है, चलो दोनों मेथड से बता देता हूँ। कल हमने जो डिस्कस किया है यहाँ पे कि PS² इज इक्वल टू ST² प्लस PT², यहाँ पे तीन ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया। बाद में चौथा इक्वेशन हमें कैसे मिला, ये QS इक्वल टू 1/3 QR दिया हुआ था, और वहां से हमने QR के जगह PQ PR भी डाल दिया। ओके, तो ये था चौथा इक्वेशन। इसमें बाद में हमने PT परपेंडिकुलर टू QR, सो PT विल बी द मीडियन बिकॉज द ट्राइंगल PQR इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। मीडियन होने के कारण ये दोनों यहाँ पे T पॉइंट मिड पॉइंट बनेगा साइड QR का, तो वहां से ये QT और TR जो है वो इट विल बी हाफ ऑफ PQ हाफ ऑफ QR और यू कैन से हाफ ऑफ PR ऑल्सो। ओके, तो ये हुआ इक्वेशन नंबर 5। अभी यहाँ पे हमें ST डिस्टेंस ST भी फाइंड करना है। सी वन थिंग वी हैव टू प्रॉपरली अंडरस्टैंड, देखो क्या करना है हमें, यहाँ पे PS² है, राइट हैंड साइड में ST² और PT² है इसके, यहाँ पे PS² है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में हमें PQ लाना है। तो हमारा गोल ये रहना चाहिए कि राइट हैंड साइड में जो ST और PT है, ST और PT ये दोनों डिस्टेंसेस PQ के फॉर्मेट में आने चाहिए। यहाँ पे कुछ तो नंबर आएगा, ST इज इक्वल टू सम कितना टाइम्स PQ, PT इज इक्वल टू हाउ मेनी टाइम्स PQ, ये PQ यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, ST और PT का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ PQ। ऐसा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, राइट हैंड साइड में PQ² जनरेट हो जाएगा। सो हमारा गोल यही है अभी कि ये जो ST और PT है, ये मैं बॉक्स में डालता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ST और PT को हमें इन टर्म्स ऑफ PQ लिखना है। ठीक है, तो हमने आप अगर यहाँ पे देखेंगे PT को हमने लिखा है क्या, नहीं, इस मेथड से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा 2-3 बार और लेंथी हो जाएगा। आई विल यूज द सेकंड मेथड। देखो कल का हमारा ट्राइंगल था ये PQR, उसमें PS ज्वाइन किया हुआ था और हमें बताया गया कि QS इज 1/3 of QR। देन वी ड्रॉ द परपेंडिकुलर PT, ये कंस्ट्रक्शन है। तो आपको क्या करना है, गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन, ये तीनों चीजें लिखने हैं।
अभी प्रूफ में जो मैंने आगे लिख के दिया उसके अलावा ये जो लिख के दे रहा हूँ वो लिखो। उस मेथड से भी आंसर आता है लेकिन वो बहुत ही लेंदी हो रहा है, क्योंकि इसके बाद आपको ये पीटी जो है ये फाइंड करना है, और वो पीटी का वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे पीआर और टीआर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सो जो भी है पीआर का वैल्यू और टीआर का वैल्यू, और वो फाइंड आउट करके फिर ये डालो इन टर्म्स ऑफ पी क्यू, वो बहुत ही लंबा हो जाता है। बेटर है कि हम डायरेक्ट डायरेक्ट सॉल्व करें। यहाँ पे गोल क्या बताया मैंने, हमारा PS² इज इक्वल टू PT² प्लस ST² मिलता है, तो हमें PT और ST को इन टर्म्स ऑफ PQ लिखना है। ये जो PT है और ये ST है, उन दोनों को इन टर्म्स ऑफ PQ लिखना है, ये हमारा गोल है। बस अभी उनको इन टर्म्स ऑफ पी क्यू लिखने के लिए सबसे पहले तो हमें पता ही है कि ये ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये पी टी परपेंडिकुलर जो है वो टी मिड पॉइंट हो जाएगा। और अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे डायरेक्टली, अल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये ट्राइंगल 30, 60, 90 का हो जाएगा। ये तीनों एंगल 60 डिग्री के, और ये 30, ये 30, तो आपको डायरेक्टली पी टी जो है वो 60 के अपोजिट वाला साइड √3/2 टाइम्स द हाइपोटेनस रहता है, वो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो पी टी का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पी क्यू तुरंत मिल जाएगा, और एस टी का वैल्यू लिखते वक्त हमें क्यू टी इज हाफ हाफ ऑफ द पी क्यू और हाफ ऑफ द क्यू आर लिख सकते हैं। लेट मी राइट डाउन। सी फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन राइट डाउन लाइक दिस, ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्विलैटरल ट्राइंगल, देयर फोर पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू पी आर, ये हमें पता है। नाउ पी टी इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर, देयर फोर पी टी इज अ मीडियन ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, क्योंकि ट्राइंगल पी क्यू आर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो जो अल्टीट्यूड रहता है वही मीडियन का काम करता है। दिस वी नो ऑलरेडी, सो वी कैन से नाउ क्यू टी इज इक्वल टू आर टी इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर, और क्यू आर के जगह हम पी क्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको बोलो इक्वेशन वन। बाद में हमें ऐसा लिखना है कि इन ट्राइंगल पी क्यू टी एंगल पी टी क्यू इज 90 डिग्री, एंगल पी क्यू टी इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो हम लिखेंगे डायरेक्टली देयर फोर एंगल क्यू पी टी इज इक्वल टू 30 डिग्री, देयर फोर हम लिखेंगे ट्राइंगल पी क्यू टी इज 30, 60, 90 ट्राइंगल। ये ट्राइंगल पी क्यू टी जो है वो 30, 60, 90 वाला हो गया, और अभी साइड पी टी जो है वो 60 के अपोजिट वाला साइड है, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे साइड पी टी will be equal to √3/2 times PQ, hypotenuse का √3/2 times। यहाँ पे रीजन लिखना है साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, 60 डिग्री के अपोजिट वाला साइड। बाद में ये क्यू टी साइड ऑलरेडी हाफ पी क्यू है, ये हमने लिखा है, आप चाहे तो फिर से भी लिख सकते हैं इस प्रॉपर्टी से, क्यू टी इज हाफ ऑफ पी क्यू बिकॉज इट इज अपोजिट टू 30 डिग्री, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। तो अगर ये लिख रहे हो तो इतने दो लाइन लिखने का जरूरत नहीं है। इफ यू आर राइटिंग दिस, तो हम क्या करेंगे, ये दो लाइन का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट हमने लिख लिया कि क्यू टी इज हाफ ऑफ पी क्यू, तो ये दो लाइन मैंने रफ कर दिए, उसका जरूरत नहीं है।
बस ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में हमने ये छोटा ट्रायंगल 30 60 90 है वो बोला, और वहां पे पीटी और क्यूटी इन टर्म्स ऑफ पीक्यू लिख लिया उन दोनों को। अभी हमें अभी भी पता है, पता चला कि पीटी को हमने इन टर्म्स ऑफ पीक्यू तो लिख लिया, चलो एक काम हो गया, एसटी को भी लिखना है। यहाँ पे अभी एसटी को लिखते वक्त हमें क्या करना पड़ेगा, क्यूटी इज हाफ ऑफ पीक्यू, क्यूटी इज क्यूएस प्लस एसटी। ये स्टेप है आपको याद रखना है, मैं स्टेप को नंबर्स देता हूं। स्टेप नंबर वन, पहले ट्रायंगल इक्विलेटरल है इसलिए तीनों साइड इक्वल। स्टेप नंबर टू, दूसरा ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है पीटीक्यू 30 60 90 आएगा, इसीलिए उस ट्रायंगल में ये दोनों साइड रूट 3/2 टाइम्स हाइपोटेनस और हाफ ऑफ द हाइपोटेनस मिलेंगे। स्टेप नंबर थ्री, ये हमने क्यूटी इक्वल टू हाफ पीक्यू जो हमें मिला है उसको फिर से लिखा, और क्यूटी को हमने लिखा क्यूएस प्लस एसटी, क्यूएस और एसटी दोनों का एडिशन आएगा क्यूटी। अभी हमें एसटी चाहिए, एसटी विल बी इन टर्म्स ऑफ पीक्यू। अभी हमें क्लियरली गिवन है, गिवन में हमने लिखा है ऑलरेडी क्यूएस इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स क्यू आर, आपको याद होगा गिवन क्वेश्चन में आप पढ़ेंगे तो QS इज इक्वल टू 1/3 क्यू आर ऐसा दिया हुआ है। तो QS को हम 1/3 टाइम्स क्यू आर ऐसा लिखेंगे, यहाँ पे रीजन लिखो गिवन, लेकिन क्यू आर के जगह हम PQ डाल सकते हैं क्योंकि ये हमें पता है कि दो तीनों साइड इक्वल है PQ QR PR, सो therefore वी कैन राइट डाउन PQ एट द प्लेस ऑफ QR। हमारा गोल क्या है, फिर से PT और ST को हमें इन टर्म्स ऑफ PQ लिखना चाहिए। तो यहाँ पे ST मिलेगा हाफ PQ माइनस 1/3 टाइम्स PQ, 1/2 माइनस 1/3 कितना आएगा 1/6 टाइम्स PQ, ये मिला ST। अभी इनको मैं बॉक्स कर लेता हूँ ST और जो PT मिला था E, हम इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर वन और इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर टू। एंड नाउ द लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर फोर, चौथा स्टेप है बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में, ये छोटा ट्रायंगल PST में, इन ट्राइंगल PST, तो हमें मिलेगा PS² इज इक्वल टू PT² प्लस ST². ओके, PT का वैल्यू हमें अभी अभी मिला है √3/2 टाइम्स PQ, तो उसका स्क्वायर मिलेगा PT² मतलब √3/2 PQ², ST का वैल्यू मिला 1/6 PQ, तो 1/6 PQ का स्क्वायर अभी यहाँ पे आएगा √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 3/4 PQ² प्लस 1/36 PQ² 3/4 1/36, यहाँ पे हम PQ² कॉमन निकालते हैं तो ब्रैकेट में बचेगा 3/4 प्लस 1/36, 4 9 जा तो यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, 9 3 27 प्लस 1 28 अपॉन 36 PQ² यहाँ कैंसलेशन कर सकते हैं, 4 7 जा 4 9 जा 7/9 PQ², ये आया PS² का वैल्यू, 9 को लेफ्ट में शिफ्ट कर दो, 9 PS² इक्वल टू 7 PQ², यही तो प्रूव करना था हमें, हेंस प्रूव। ये दूसरा तरीका है, तो ये छोटा ट्रायंगल, एक ही ट्रायंगल में हमें यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करने का जरूरत पड़ा, पिछले केस में 3-3 जगह किया था, वो लेंदी हो रहा था इसलिए ये बता दिया। 4 स्टेप का आंसर है, क्विक रिवीजन। देखो
सबसे पहले ट्राइंगल इक्विलैटरल है इसीलिए तीनों साइड इक्वल, ये लिख लिया। दूसरे स्टेप में ये जो छोटा ट्राइंगल पी क्यू टी है वो 30, 60, 90 का हो जाएगा, इसीलिए पी टी जो 60 के अपोजिट वाला साइड है वो रूट 3/2 टाइम्स पी क्यू, और 30 के अपोजिट वाला साइड क्यू टी विल बी हाफ ऑफ द पी क्यू, हाफ ऑफ द हाइपोटेनस। और यहाँ पे स्टेप नंबर थ्री जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि भूल जाते हैं हम, हमें एस टी को भी, पी टी और एस टी दोनों को पी क्यू के फॉर्मेट में लिखना है। तो पी टी को हमने लिख लिया, इसको बोला इक्वेशन वन, और एस टी को लिखते वक्त ये क्यू टी इक्वल टू हाफ पी क्यू इसका यूज करना है। क्यू टी को क्यू एस प्लस एस टी लिखो, और क्यू एस इज गिवन एज 1/3 क्यू आर, क्यू आर मतलब पी क्यू क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और अभी एस टी भी पी क्यू में मिल गया। बस ये दोनों वैल्यूज यहाँ डाल दो तो राइट हैंड साइड भी पी क्यू में ही रहेगा, हमें वही चाहिए था, एक लेफ्ट हैंड साइड पी एस में चाहिए और राइट हैंड साइड पी क्यू में चाहिए। टू प्रूव में आप देख सकते हो 9 PS² 7 PQ². सो दिस वाज क्वेश्चन 16। इसके अलावा और कोई डाउट है क्या आपको? एनी अदर डाउट? ये 17, 18 ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप अपोलिनियस थ्योरम यूज कर सकते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट विद द थर्ड चैप्टर।